प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड देखो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और आज वो इंटरव्यू लेंगे एक पाकिस्तानी विद्वान का, जिसमें वो बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद। जबरदस्त होगी। टॉपिक ये है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें चार कंट्रीज आते हैं, स्विट्जरलैंड है और इसके अलावा दो तीन और कंट्रीज हैं, जिनका अभी एग्रीमेंट हुआ है $100 बिलियन का। और साथ ही साथ 1 मिलियन जॉब आने वाले 15 साल में जो इंडियंस को प्रोवाइड की जाएंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे, कभी अब खबर आती है यूके से फ्री ट्रेड करने जा रहा है इंडिया, कभी खबर आती है ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड, कभी यूए की तरफ से खबर आती है, लेकिन पाकिस्तान से कौन से ऐसे कंट्रीज हैं, आज हम हाशिम नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। कोई दो कंट्रीज, कोई पांच कंट्रीज ऐसे बता दें जिनकी पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और क्या जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं या जो प्रोडक्ट्स खासतौर पे इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है, यूके को एक्सपोर्ट करने जा रहा है यूरोपियन यूनियन को, क्या वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और भी बहुत सी चीजों पे बात करेंगे। खासतौर पे ये भी पूछेंगे कि इंडियंस में ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इस टाइम दुनिया भर में इंडियंस की डिमांड है और पाकिस्तान को ना तो वीजा मिल रहा है और ना ही पाकिस्तानी की इंटरनेशनल लेवल पे उस तरीके से रिस्पेक्ट है। इस पर इनकी ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी जो बातें होती हैं खासतौर पे, जो आपके अशआर होते हैं, जो आप शेरो शायरी करते हैं, देखने वालों को बड़ी पसंद आती है, रैशनल बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए क्या वजह है आज यूके हो, आज यूरोपियन यूनियन हो, आज यूएस हो, आज अगर हम बात अपने इर्द गिर्द कंट्री की करें या फिर गल्फ कंट्री की करें, सभी लोग इंडियंस को और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? ये खबर सुना के जुहैब तूने मेरे दिल के तार छेड़ दिए, मेरे दिल के जख्मों को हरा कर दिया। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम्स में अपने दुख का इजहार करता हूँ। किस दुख का इजहार करता हूँ? यह मेरे अकेले का दुख नहीं, ये 25 करोड़ आवाम के दुख का इजहार है। हमारे यहाँ इलेक्शन अभी हुए और दो दफ़ा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और लोगों का खरबों रुपया डूब गया। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद हुकूमतें सब ने, सदर भी बन गए, वजीर आजम आ गई। और अमूमी तौर पर यह होता है कि जब गवर्नमेंट्स बन जाती हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है, मुल्क के हालात स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या बद्दुआ है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ कम जाता है और रिवर्स गियर ज़्यादा लगता है। यानी हम 10 कदम आगे चलते हैं तो देखते हैं, मुड़ के देखते हैं तो 50 कदम पीछे खड़े होते हैं। ठीक है, अब 50 कदम पीछे खड़े होने का मकसद ये है कि हमारी हालत स्टेटस को की है, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे, वहीं के वहीं हैं, 75 सालों से वहीं के वहीं हैं। और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जो है, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया कि जहां जमहूरियत डेमोक्रेसी सही मायनों में, ट्रू मायनों में, ट्रू रिस्पेक्ट में स्टेबल होती है, वहां तरक्की भी होती है, वहां पॉलिसीज भी बनती हैं, मुल्क आगे जाते हैं और मुल्क पीछे नहीं जाते। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में आप देख लें कि 75 सालों में स्टेबिलिटी। अब आप दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी है मेरे माइंड में, लेकिन आप पहले बात करें। मैं जब भी ये खबर सुनता हूँ इंडिया के हवाले से कि इंडिया आईटी के मैदान में, इंडिया इंडस्ट्री के मैदान में, इंडिया हर मैदान में आगे जा रहा है, और मुझे तो वो मोदी की वो स्टेटमेंट भी याद आई जो मैंने मीडिया पे देखी थी, तो वो कहता है यार ये जो मुकाबलेबाजी की बात है, जंगों की बात है, इसको बात को छोड़े, अगर मुकाबला करना है तो इस फील्ड में करें कि आप भी पाकिस्तान की, आप भी पाकिस्तान की गुर्बत को ख़त्म करो, हम भी हिंदुस्तान की गुर्बत को ख़त्म करते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इस लाइन पे चल पड़े हैं और अभी तक हमने इसका स्टेप नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं $100 बिलियन की, और जो चार यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ की आप बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं, अब देखें ना, 1 लाख अगर वो प्रोड्यूस होती हैं, जॉब होती हैं, और छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक उसके लिए उनको स्टैंस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया बुनियादी तौर पर वो मुल्क है कि जिसने प्रूव कर दिया है कि हम वो कंट्री हैं कि हमारी कंट्री में आके आप इन्वेस्टमेंट करें। यानी ये समझ लें कि उन्होंने यूरोप का, अरब का या जितने भी कंट्रीज हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। और कॉन्फिडेंस सोहेब गेन करने के लिए हमेशा
आपको पहले प्रूव करना होता है। आप प्रूव करते हैं तो दूसरा आपका अपोनेंट जो है या जिसके साथ आपका इंटरेस्ट है या आपने कारोबार करना है वो तब जाके आपके ऊपर रिलाई करता है कि हाँ ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, अब इसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं ठीक हो गया। या बिजनेस। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी तक कौन सी ऐसी पॉलिसी आई है, कौन सी ऐसी लाइन्स हैं, कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं जो ये साबित करें या उनको साबित हम करके दिखाएं कि देखिए हमने आपकी डिमांड के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फिडेंस आपको दे दिया, अब आप हम पर ट्रस्ट करें। ठीक है, यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है। सेफ है। जब उनको बेसिक चीज की गारंटी नहीं मिलेगी तो इतनी ह्यूज अमाउंट क्यों वो करेंगे, क्यों पाकिस्तान पे इन्वेस्ट। ठीक है सर, एक बात इधर ये भी आती है, आपने बोला इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि आओ मिल के मुकाबला करते हैं गुर्बत का या जंग वगैरह को पीछे छोड़ के, गुर्बत एजुकेशन के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी बात अब पुरानी हो चुकी है। अब मैं ये गारंटी देता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता हूँ, लास्ट वन ईयर टू ईयर या तीन सालों की अगर बात कर लें, पाकिस्तान का ऐसा नाम ही नहीं लिया। मतलब वो कहते हैं कंपटीशन हमारा बनता नहीं है, और इनको वो इवन नेपाल का नाम ले लेते हैं, वो इवन ये कह देते हैं बांग्लादेश को हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ वो ट्रेड करने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। मतलब एक होता है दुश्मनी रखना, एक होता है इग्नोर करना, इग्नोर बकायदा तौर पर करते नजर आ रहे हैं, इवन कोई क्वेश्चन भी करता है तो वो नाम लिए बगैर आंसर कर देते हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। देखो सुहेब, इसकी डीप में जाएंगे, इसकी रूट्स में जाएंगे तो मेरा बुनियादी जवाब फिर वही है कि जिस मुल्क पे डिक्टेटरशिप कायम हो, चंद लोगों की अदारादारी हो, चंद लोगों ने मुल्क को कंट्रोल किया हो, और वो हमारे जो बड़े हैं जिसको मैं एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, वो इस तरफ पता नहीं क्यों आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनको इस तरफ आना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे शुड थिंक अबाउट दिस कि वी शुड डू समथिंग जिसमें हमारा मुल्क आगे जाए, जिसमें हमारे पब्लिक की प्रॉस्पेरिटी हो, जिसमें पॉलिसीज ऐसी बनाएं। अब खुदा जानता है हर इंटेलेक्चुअल, हर दानिश्वर, सहाफ़ी, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो किस चीज़ का रोना रोते हैं, इसी चीज़ का रोना बार बार रो रहे हैं कि यार ये मुल्क के साथ कोई तो ऐसा एक्ट कर दो, कोई तो ऐसी पॉलिसी बना दो कि हमारा भी नाम दूसरे मुल्कों के साथ जुड़े, इंडिया के साथ जुड़े, बांग्लादेश के साथ। हत्ता कि अफगानिस्तान कमज़ोर तरीन मुल्क है, लेकिन जैसा कि मीडिया बता रहा है, वहाँ के जो खबरें आ रही हैं वो भी उस बेसिक तरक्की की रास्ते के ऊपर काम चल पड़ा हुआ है। वहाँ क्या क्या नहीं हो रहा, वहाँ कौन कौन से काम नहीं हो रहे, और हम यहाँ देखते हैं, हमें तो आज भी यही रोना है कि वो एक पार्टी कहती है कि इलेक्शन सारे दो नंबर हुए, एक पार्टी को हरा के दूसरे को लेकर आए। अब दूसरों के पास मुझे बताओ कौन सा फार्मूला ऐसा है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसकी बुनियाद पे ये प्रिडिक्शन कर सके या हमें दिखा सके या लोगों को दिखा सके या दुनिया को दिखा सके कि लो जी ये फार्मूला हमने बना लिया है और इस फार्मूले पे हम मनोमन चलेंगे और मुल्क तरक्की करेगा और लोग तरक्की करेंगे। नहीं, इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा देखने वालों के लिए, खासतौर पे जो लोग अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक अच्छे तरीके से, एक बड़े सिस्टमेटिक वे से हमारे माइंड के साथ खेला जाता है। हमारे मोस्टली लोगों के माइंड में ये बिठा दिया गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान एक नूर है, इसे कभी जवाल नहीं हो सकता, इसे जितना भी खा लो, इसमें जितनी भी करप्शन कर लो, पाकिस्तान को कुछ हो नहीं सकता। और वो लोग जो ये चीजें बताते हैं वो ये चीज नहीं डिस्कस करते कि 1971 में ये नूर को जवाल आ गया था। मतलब मेरी बातें शायद किसी को कड़वी लगे हैं, लेकिन 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए थे। हमें इस तरीके से इमोशनल जो उनसे सिस्टम के थ्रू लेके चला जाता है, जबकि दूसरी दुनिया इस्लामिक कंट्री हो या दूसरे कंट्री हो, वो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। अगर इस्लाम की या नूर की या इस तरीके से बात करें ऐसे, तो फिर अफगानिस्तान ना ही इंडिया के साथ ट्रेड करे, अफगानिस्तान ना ही चाइना के साथ ट्रेड करे, वो तो ये कहे कि हम मुसलमान हैं, शरी निज़ाम है, हम सिर्फ सऊदीया के साथ ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ मतलब इस्लामिक कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे, नॉन मुस्लिम को मुंह नहीं लगाएंगे और हम आगे चले जाएंगे। वो जितनी ट्रेड चाइना के साथ, सबसे पहला उन्होंने एग्रीमेंट ही चाइना के साथ की है। देखें ये जो बात है ना, मजहबी आप बात करते हो, पाकिस्तान एक नूर है, चलो एक परसेप्शन है, ठीक है लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मुल्क सिर्फ मजहब की बुनियाद पे आगे चलता है? अगर मजहब की बुनियाद पे चलता है तो मजहब के अंदर भी तो कुछ पैरामीटर्स हैं ना, लोगों के साथ चलने के लिए वादा उसका करना, जो कमिटमेंट है वो पूरी करने, एग्रीमेंट ऐसे करने। आपको किसने मना किया है कि मजहब के अंदर रह के आप एग्रीमेंट करें, मिसाल दे रहा हूँ, और वो ठीक ना हो। यहाँ तो मजहब को सिर्फ नारों की हद तक यूटिलाइज किया गया है, लोगों का ब्रेन तैयार किया गया है,
कि मजहब के दायरे में रह के ऐसा फार्मूला तय कर दें कि लोगों का असल इश्यूज की तरफ ध्यान ना जाए, जब अशफ असल इश्यूज की तरफ ध्यान नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये नारे, चाहे मजहब के नारे हों, चाहे स्लोगन हों, चाहे पेट्रियाटिक नारे हों, चाहे वतन के नारे हों, मुहब्बुल वतनी के नारे हों, अब बात जो है नारों से आगे आ चुकी है। अब नारों की ज़रूरत नहीं है, अब प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रैक्टिकल में आप देख रहे हो कि पाकिस्तान डे बाई डे इतना पीछे चलता जा रहा है कि लोगों ने, दुनिया के दीगर मुल्कों ने इसका नाम भी डिस्कस करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। क्यों? कि वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ कोई भी काम, कोई भी इंश्योरेंस जो होती है काम करने के लिए, इन्होंने वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर हमें देना ही नहीं है। ठीक है, जब ये बात साबित हो चुके हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, दस दफ़ा अगर ये बात साबित हो जाए तो फिर किसी को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है। हालांकि पाकिस्तान बाहर की दुनिया से ट्रेड करे, जैसे आपने कहा, यूरोपीय यूनियन को वैसे तो पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ना, अगर ये ओपन मार्केट में ये भी जाएं, ये भी अपने वादे के मुताबिक एग्रीमेंट करें और एग्रीमेंट पे फुलफिलमेंट करें, तो वो करें क्यों, क्यों ना करें वो भी, उनको क्या तकलीफ है। एडवोकेट साहब, एक दुश्मनी है ना, हमें तो जो बताई गई है आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, यार हमें दुश्मनी कब तक चलेगी। नहीं, हमें ये बताया गया पाकिस्तान एक वाहद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक बम है, ये दुश्मनी है, यूरोप को ये चीज हजम नहीं होती। हमें तो ये बताया गया कि भाई ये दुश्मनी है, आप बताएं इसे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ। अच्छा, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन और ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपको जानने को मिला होगा कि ये पाकिस्तानी हमारे भारत देश के बारे में क्या राय रखता है और ये क्या विचार रखते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें, भारत के यूरोप के साथ भी रिश्ते बहुत ही बेहतर है, जहां पे भारत के कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, और एक तरफ भारत और यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और वो भी कुछ वक्त में बहाल हो जाएगा और भारत और यूके के बीच में भी ट्रेड बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि भारत के जो अरब देशों के साथ रिश्ते हैं वो भी बेहतरीन है, कई देशों के साथ भारत का फ्री एग्रीमेंट है, जिसे देखिए पाकिस्तानियों को हमेशा ही जलन होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।